ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो 21 फरवरी से बृहस्पति चंद्र योग में रहेंगे, जिससे कुछ राशियों के लोगों को लाभ ही लाभ हो सकता है। उनके जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है, उनके अपने सच और साकार हो सकते हैं। इसी विषय में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी राशि है जिस राशि के लोगों को बृहस्पति के चंद्र योग में रहने से उन्हें लाभ ही लाभ हो सकता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन कौन सी वो राशि है विस्तार से। वृश्चिक और वृष राशि। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 21 फरवरी से बृहस्पति चंद्र योग में रहेंगे, जिससे वृश्चिक और वृष राशि के लोगों को लाभ ही लाभ हो सकता है। इनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती है। ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इनके धन दौलत में वृद्धि हो सकती है। इन्हें जीवन साथी का साथ मिल सकता है। इनके सपने सच और साकार हो सकते हैं। इनकी किस्मत नया मोड़ ले सकती है। आप विष्णु जी को याद करें। मकर और मेष राशि। 21 फरवरी से बृहस्पति चंद्र योग में रहेंगे, जो मकर और मेष राशि के लोगों के लिए बेहद खास है। इससे इनकी किस्मत बदल सकती है तथा इन्हें सच्चा प्यार मिल सकता है। इस राशि के जातक एक सफल जीवन सेलिब्रेट कर सकते हैं। इनके धन दौलत में वृद्धि हो सकती है। ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। प्यार और पैसों में इन्हें तरक्की मिल सकती है। भगवान विष्णु की कृपा इनके दैनिक जीवन पर बनी रहेगी। कन्या और कर्क राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 21 फरवरी से बृहस्पति चंद्र योग में रहेंगे, जिससे कन्या और कर्क राशि के लोगों को लाभ ही लाभ हो सकता है। इनके धन दौलत में वृद्धि हो सकती है। ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इनकी किस्मत नया मोड़ ले सकती है। इन्हें मेहनत का फल मीठा मिल सकता है। इनकी मेहनत रंग ला सकती है। भगवान विष्णु की उपासना करना इनके लिए शुभ रहेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुति की रिपोर्ट।